फ्रेंड्स, जैसा कि हम खड़े हैं VS हॉल के सामने, तो हम आज जा रहे हैं VS हॉल का टूर करने, देखने क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल हैं और क्या क्या रहने के लिए जैसे भी है। चलिए, तो अभी हम खड़े हैं VS हॉल के सामने वाले रोड पे, जिसे हम अभी ये जब आप साइकिल स्टैंड देख रहे हैं, ये VS हॉल के साइकिल स्टैंड है। इस VS हॉल में फर्स्ट ईयर एंड PhD के सारे लड़के रहते हैं। ये देखिए कितने साइकिल्स यहाँ पे है। ये मेन गेट है VS हॉल का, ये हमारे फ्रंट व्यू है VS हॉल का। ये दोनों तरफ से एक लेफ्ट एंट्रेंस है, एक राइट एंट्रेंस है, आप किसी तरह से घूम सकते हैं। ये है अपना छोटा सा VS हॉल का गार्डन टाइप का बोल सकते हैं, हर एक फ्लावर्स लगे हुए हैं। ऐसे ही फ्लावर्स राइट साइड में भी लगे हुए हैं, जैसे कि आपको दिखा देते हैं। ये सेंटर में वाटर वाला कुछ लगा हुआ है। और ये फ्लैग होस्टेज के लिए स्पेस छोड़ा गया है, जहाँ पे 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को फ्लैग होस्ट किया जाता है। उसके बाद ते हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में ये भी कुछ प्लांटेशन किए गए हैं हमारे होस्टल्स के द्वारा। और इधर कुछ लड़कों को बैठने के लिए स्पेस छोड़ा गया है। अब चलते हैं हम लोग अपना मेन होस्टल में एंट्री लेते हैं। ये है VS हॉल का मेन हॉल। यहाँ पे बगल में जैसे ही घुसते हैं वैसे ही दो मूर्ति गणेश जी का और लक्ष्मी जी का रखा हुआ है, सरस्वती जी, गणेश जी का और सरस्वती जी का मंत्र रखा हुआ है। बच्चे स्कूल क्लास जाते हैं तो यहाँ से आशीर्वाद लेकर इनका क्लास जाते हैं। और ये रहा अपना VS हॉल का मेन हॉल, एक कॉमन एरिया है। यहाँ पे बच्चे यहाँ इधर टेबल टेनिस खेलते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इधर टेबल टेनिस। देखिए यहाँ पे बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस का टेबल है, शाम को यूजुअली खेलते हैं, अभी तो सुबह है तो कोई खेल नहीं रहा है, सारे बच्चे सो रहे हैं, वैसे भी आज संडे है। ये देखिए ये न्यूज़पेपर, यहाँ पे हर एक लैंग्वेज में आपको न्यूज़पेपर्स मिल जाएंगे, हर दिन का यहाँ पे रखा हुआ होता है, बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं, हर एक लैंग्वेज में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश है, उधर उड़िया होगा, तो यहाँ पे मतलब यहाँ हिंदी है, यहाँ उड़िया है, हर एक लैंग्वेज में आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगी। ये रहा टेबल टेनिस। एंड चलिए आपको दिखाते हैं जिम, चलिए हम आपको जिम दिखाते हैं। जिम का टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक खुला रहता है। चलिए ये तो है डे कैंटीन, जो कि अभी बंद है क्योंकि अभी सुबह है, तो डे कैंटीन तो बंद ही रहेगा। चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। कॉमन एरिया के जैसे ही ऊपर जाएंगे, अपना पीछे छोटा सा गार्डन टाइप का है। देखिए ऊपर से मेन हॉल का व्यू कुछ इस जैसा है। इधर
यहाँ पे लोग आते हैं, कैरम बोर्ड भी खेलते हैं, एक कॉमन है, जिसको भी खेलना होता है बस जाकर वार्डन से परमिशन लेकर खेल सकता है। ये अपना पीछे का कुछ व्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे ये चेस के कुछ बोर्ड रखे हैं, ऊपर चेस भी खेल सकते हैं, बस जिसको मिलना होगा इसका जाकर परमिशन लेकर और उसको लेकर खेल सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं स्टडी रूम। इधर स्टडी रूम है, स्टडी रूम में बच्चे पढ़ रहे हैं, देखिए आप। ये है डाउन, ये लेफ्ट वाला सीढ़ी है, वो राइट जिस सीढ़ी से हम लोग आए थे वो राइट वाला सीढ़ी है। और मैं आपको अब जल्दी दिखाता हूँ इसके ऊपर सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे टीवी रूम है एंड म्यूजिक रूम है। तो अभी तो टीवी रूम बंद होगा, लेकिन जब भी मैच वगैरह होते हैं तो बल्कि यहाँ पे आकर मस्ती से देखते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। ये रहा टीवी रूम, अभी तो कुछ मैच वगैरह नहीं है तो खुला नहीं है, बट खुल जाता है जब भी मैच वगैरह होता है तो लड़के आकर खुलवा कर अपने देखते हैं। काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे मैच देखने में, अकेले मैच देखने में तो मज़ा नहीं आता, मैच तो ग्रुप में ही देखने में मज़ा आता है ना। तो अब आते हैं यहाँ पे नाइट कैंटीन। ये रहा हमारा FES हॉल नाइट कैंटीन। यहाँ पे आपको रात के 2 बजे तक मिल सकते हैं। अभी ये भी बंद है, बट मैं कोशिश करूँगा किसी और ब्लॉक में दोनों का ब्लॉग करने के लिए। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, चिकन कासा रोटी 100 रुपया। लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप रोल खा सकते हैं, चाउमीन खा सकते हैं, एग रोल खा सकते हैं, एग चाउमीन खा सकते हैं, वेज चाउ नॉन वेज सब कुछ मिलता है। चलिए आप आ गए हैं इधर म्यूजिक रूम की तरफ। तो लेफ्ट वाले हॉल में म्यूजिक रूम का अरेंजमेंट है। ये देखिए अभी तो बंद पड़ा हुआ है, बट ये जब म्यूजिक होती है तो ये खुल जाता है। जब भी म्यूजिक जिसको करना होता है तो इसको आके खुलवा सकता है, ये कोई परमानेंट बंद नहीं है, सारे कभी भी खुल सकते हैं। तो हम आ गए थे सेकेंड फ्लोर पे, अब चलिए हम लोग चलते हैं देखते हैं थर्ड फ्लोर पे क्या है, उसके ऊपर का व्यू देखते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितने ब्लॉक में कितने हॉस्टल्स कितने रूम्स कितने क्या हैं। ये रहा हमारा थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे कोई कॉमन एरिया नहीं है, कॉमन हॉल नहीं है, इसके वजह से ऊपर कुछ नहीं कैंटीन वगैरह है। ये देखिए ऊपर से अपना हॉस्टल का व्यू, मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिए हमारे जस्ट हॉस्टल के पीछे एक पहाड़ है, एक क्या मतलब पूरा अपना शहर पहाड़ से घिरा हुआ है, बट हॉस्टल के पीछे पहाड़ है जो एक अच्छा व्यू लेकर आता है। और ये राइट व्यू है, काफ़ी बड़ा हॉस्टल है, ये इंडिया का top 3 हॉस्टल्स में से एक है। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, क्योंकि हम थर्ड फ्लोर पे आ गए हैं। एंड मैं आपको अब लेकर चलता हूँ राइट साइड में। हम लोग सेकेंड फ्लोर पे आ चुके हैं, थर्ड फ्लोर पे आ चुके हैं। तो कॉमन एरिया का व्यू कुछ इस तरह से है, जो हम आपको दिखाए थे वो पूजा करने के लिए मूर्ति है, ये जहाँ से एंट्रेंस लिए थे। अब हम आपको राइट साइड से ऊपर का व्यू दिखाते हैं। इसके ऊपर तो जाना अलाउ नहीं है, लॉक लगा हुआ है फॉर सम रीज़न, बट यहाँ तक लड़के आ सकते हैं। और काफ़ी यहाँ हम लोग आने के बाद रिलैक्स फील करते हैं, बच्चे यहाँ पे एक्चुअली शाम को पढ़ाई लिखाई करने के बाद आते हैं रिलैक्स होने। देखिए ये राइट साइड का है, वो मेन रोड है जहाँ से हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट किए थे। एंड हम चलते हैं नीचे
आपको अलग अलग ब्लॉक्स दिखाते हैं। इधर देखिए, ये वार्डन ऑफिस है और VS हॉल का ऑफिस है, गेस्ट रूम है एंड कॉमन मीटिंग रूम है। ये तो कैंटीन है, अभी नहीं खुला है, 10 बजे खुलेगा। यहाँ पे बुक्स वगैरह मिलते हैं, बुक्स कॉपी रिलेटेड जितना भी स्टूडेंट का नेसेसरी थिंग्स है वो सारे यहाँ पे मिलते हैं, बट ये 10 बजे खुलता है। और ये यहाँ अपना वार्डन केबिन, यहाँ पे आपको अगर कोई बात वार्डन से मीटिंग करनी है तो यहाँ पे आप उनसे जाके बात करते हैं, ये भी 9 बजे खुलती है। अंदर आए हम लोग तो ये वार्डन ऑफिस है, यहाँ पे सारे जैसे कि बताया था ना कि आपको स्पोर्ट्स का कोई भी सामान लेना हो तो आप इसमें आकर अपने नाम से साइन कर वगैरह करके आप लेके जा सकते हैं। और ये रहा आई थिंक गेस्ट रूम, हाँ ये गेस्ट रूम, अगर आपके माता पिता कभी भी यहाँ पे आते हैं तो उनको ठहरने के लिए ये रूम दीजिएगा, अंदर एंट्री नहीं है। और इसके बाद दिखाता हूँ, इधर बाथरूम वगैरह है, तो चलिए हम लोग पीछे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ टोटल 8 ब्लॉक्स हैं, इस हॉस्टल में टोटल 8 ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक इस साइड है, 4 ब्लॉक का रास्ता ये है और 4 ब्लॉक का रास्ता उस तरफ से है। ABCD 4 जो ब्लॉक हैं उसका एंट्रेंस उस तरफ से है और राइट साइड से एंट्री लेंगे, और EFGH जो कि 4 ब्लॉक का एंट्री इस तरफ से है। एक ब्लॉक में टोटल 128 रूम्स हैं, एक ब्लॉक में टोटल 128 रूम है, उधर 128 रूम, इधर 128 रूम। मेरा हॉस्टल रूम H30 है तो मैं इस तरफ से जाऊंगा, क्योंकि बताया था ना कि आपको EFGH इस साइड है और ABCD ब्लॉक इस तरफ है। एंड एक ब्लॉक में 128 रूम है, मीन्स कि 4 फ्लोर है, 3 ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर हैंड, हर एक फ्लोर पे हर एक ब्लॉक में 32 रूम है, तो 32 × 4 = 128, यानी हर एक ब्लॉक में टोटल 128 रूम है। एंड 8 ब्लॉक हैं तो 128 × 8 = 1024, यानी यहाँ पे टोटल 1024 रूम्स हैं, हर रूम में 2 लड़के रहते हैं, मतलब यहाँ पे 2048 लड़के रेसिडेंस करते हैं इस हॉस्टल में। ये रहा एंट्री। अब देखिए इधर से, आप अगर आप इधर से जाइएगा तो बताया तो था EFGH इधर है, तो F के लिए लेफ्ट, F एंड G के लिए राइट लेफ्ट साइड एंड E एंड H के लिए राइट साइड, और इधर मेस भी है, तो मेरा H30 है तो मैं राइट साइड में जाऊंगा। सब कुछ लिखा हुआ है, आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप आइएगा तो आपको सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सा ब्लॉक किधर है, किधर नहीं है, कितना रूम नंबर से रूम, कितना नंबर रूम नंबर है। इधर ये ब्लॉक का 25 से 32 तक का रूम नंबर है, काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। इधर मैं से और देखिए सीधे सामने जाइएगा तो उधर मेरा रूम पड़ेगा, ये मेस है। चलिए मेस में मैं देख लेते हैं क्या है मेस। मेस तो ऐसे 9:00 से 7:15 पे खुलता है नाश्ता के लिए और 9 बजे नाश्ता के लिए बंद हो जाता है, और खाना मिलता है 12 बजे। और इधर देखिए, इधर बैडमिंटन कोर्ट है, अगर लड़के को बैडमिंटन खेलने का मन होता है तो इधर आ जाते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में उधर उसका टूर करवाता हूँ। अभी चलिए मेस देख, यहाँ पे 7-8 खाना सर्व करने की प्लेस है, इधर इधर नॉन वेज है और उधर वेज है, जिसको नॉन वेज खाना होगा इधर आके खा लेता है और जिसको वेज खाना होता है उधर आके खा लेता है। बाकी देखिए टेबल्स तो बहुत सारे लगे हुए हैं, आई थिंक एक बार में तो 300-400 तो बच्चे आराम से खा ही लेंगे। चलिए तब हम लोग रिटर्न लेते हैं। और ये है वॉशिंग एरिया, ये रूम में देखिए पूरा नल्स लगे हुए हैं हाथ धोने के लिए, ये वॉशिंग एरिया है।
खा के आते हैं बच्चे, इधर हाथ धोते हैं या फिर हाथ धो के भी खाने जाते हैं। ये दो रूम्स हैं, दो रूम्स में केवल नल ही लगे हुए हैं, ये वॉशिंग रूम है। चलिए अब हम लोग मेस से बाहर निकलते हैं और चलते हैं, मैं आपको बैडमिंटन कोर्ट दिखाता हूँ। यह हमारा बैडमिंटन कोर्ट का एंट्रेंस है, यह हमारे हॉस्टल के बीचों बीच है। इससे बाहर हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ से अपने हॉस्टल के ब्लॉक्स बने हुए हैं और बीच में जब स्पेस में बचा तो एक बैडमिंटन कोर्ट बनाएंगे, एक बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पे, और यहाँ पर डेली हम लोग शाम को यहाँ पे खेलते हैं। खाना खाने के बाद लोग घूमते भी हैं यहाँ पे। और ये मेस अपना ये मिडिल में है, इस तरफ से ABCD और इस तरफ से EFGH ब्लॉक है, तो दोनों तरफ के ब्लॉक के लड़के आकर सेंटर में खाना खाते हैं और इस सेंटर में दोनों तरफ के ब्लॉक से आकर स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो ये अपना एक तरह से सेंटर एरिया है। इधर भी देखिए, इधर ABCDE ब्लॉक और इधर EFGH ब्लॉक, टोटल 8 ब्लॉक है और 8 ब्लॉक में 128 रूम है। तो देख लिए, और ये सब यहाँ पे लाइट का सुविधा है तो आप रात में भी खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइट्स लगे हुए हैं, बैठने के लिए सब कुछ लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने रूम की तरफ। देखिए H ब्लॉक्स का 1 से 8 तक का रूम है, मैं बताया था कि मेरा रूम नंबर H30 है, तो इधर है। और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, इससे पूरा हम लोग ऊपर जा सकते हैं हर एक फ्लोर पे, ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलिए मैं अपना रूम भी दिखा देता हूँ। ये देखिए H28, इधर अपना रूम, H29, H30, ये मेरा रूम है। चलिए ठीक है, जैसा कि हमने आपको मेस दिखाया, कॉमन एरिया दिखाया, मूर्ति घर दिखाया, जिम दिखाया, स्टडी रूम दिखाया एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाया जहाँ पे सारे लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, और आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दिया। बाकी तब तक के लिए